आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ में देव दिवाली भी, और कार्तिक स्नान के लिए गंगा में लाखों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है। हर एक घाट पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और वहां पे आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मान्यता ये है कि कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने पर आपके पाप धुल जाते हैं। जो भी कार्तिक पूर्णिमा में गंगा में जाकर स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, इस प्रकार की मान्यता है। आपको बता दें कि पटना में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है, चारों तरफ पूरा जाम लगा हुआ है। जेपी सेतु की बात करें तो पूरा जेपी सेतु पैक है, क्योंकि उस पार भी, गंगा के उस पार भी और इस पार भी लोग काफ़ी संख्या में पहुँच चुके हैं। सोनपुर के मेला में भी लोग पहुँचे हैं और वहाँ पर भी स्नान का कार्यक्रम चल रहा है। आज यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप देखिए इस वीडियो को। आपको बता दें कि आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद सूर्य को जल दिया जाता है और साथ ही गंगा मैया की उपासना भी की जाती है और सूर्य देव की भी उपासना की जाती है। शरीर के रोगों को और पाप को दूर करने के लिए लोग गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, अपने पाप को खत्म करने के लिए गंगा में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान करना सभी के लिए ज़रूरी होता है। बाकी आप इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।